महिला दरोगा अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। खबर इस बात को लेकर है कि एक तरफ शारीरिक मापदंड लिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर रिजेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां लॉन्ग जंप को लेकर जो महिलाएं हैं वो लगातार छटकर बाहर आ रही हैं। क्यों आखिर इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं वापस आ रही हैं? इसको लेकर हमने कल भी खबर दिखाया था और कोशिश की थी कि आज जिनका वहां पर शारीरिक मापदंड है उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और वो बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन हमारी पड़ताल अब भी जारी है कि आखिरकार बड़े पैमाने पर ऐसा रिजेक्शन क्यों हुआ। अभी हम गांधी मैदान में खड़े हैं और हमारे साथ मोनू जी ट्रेनर हैं, ये बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास हुआ। देखिए यहाँ पर महिलाओं की ये प्रैक्टिस भी चल रही है, यहाँ पर खास तौर पर लॉन्ग जंप को लेकर के ही तैयारियां की जा रही है। और लॉन्ग जंप में क्या कुछ खास है, क्यों महिलाएं छटकर बाहर आ रही हैं, उस पर भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आइए मनु सर, जिस तरीके से कल लॉन्ग जंप में बड़े पैमाने पर लड़कियां छटकर के बाहर आई हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए सबसे बड़ा चीज है सर, किसी भी चीज का मापदंड, आप मापदंड यदि गड़बड़ करेंगे तो सारा चीज प्रभावित होगा। मापदंड मतलब क्या, चाहे वो गद्दे का प्रॉब्लम हो कि गद्दा को आप काट करके गद्दा को गाड़ दीजिए तो वो मापदंड गलत हो गया। अब लॉन्ग जंप में सबसे बड़ा समस्या आ रही है रनवे का, आपने रनवे ही नहीं दिया है। और रनवे जो स्टैंडर्ड रनवे होता है सर 35 से लेकर के 45 तक, 35 से लेकर के 40 तक, लेकर आपको देना ही देना है। और वो रनवे ऐसा नहीं कि 35 मीटर से ही बच्चे दौड़ेंगे, वो स्वतंत्र है 35 के अंदर कहीं से भी दौड़ेंगे। लेकिन आपके पास 35 मीटर के लिए एक अच्छा समतल जगह नहीं है, मतलब बिहार में इतना कमी हो गया कि 35 मीटर जगह नहीं है। और 35 मीटर जगह नहीं रहने के कारण वो भविष्य से खेल रहा है। अभी सोचिए ना सर, बच्चे पीटी निकाले कितना मेहनत लगता है, 6 लाख फॉर्म गिरा था, 6 लाख फॉर्म गिरा था। और 6 लाख फॉर्म गिरने के बाद बच्चे पीटी में 50,000 समथिंग पास किए। उसके बाद आ जाते हैं मेंस में, मेंस में जैसे ही बच्चे पास किए तो उसमें आ जाते हैं बच्चे 15,000। अब 15,000 के बाद आप उस क्रीम बच्चों को, मतलब बिहार के जो जो होनहार बच्चे एकदम रात दिन एक करके मेहनत करके वो जो कंपटीशन निकाले, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बच्चे में लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट नहीं, बच्चे में लॉन्ग जंप नहीं कर सकता मेरा? अरे बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप उसको उस तरह का सुविधा तो दीजिए कम से कम। आप कह रहे हैं टाइगर जंप बंद, किस दिन बोल रहे हैं? जिस दिन आप एग्जाम ले रहे हैं उस दिन बोल रहे हैं टाइगर जंप बंद, ये कहाँ का नियम है? दूसरा चीज कि आप रनवे उसको 35 मीटर नहीं दे रहे हैं, और आपका जो चूना का स्टाइल है यहाँ पे देखिए, ये होना चाहिए, ये जो है सर ये लाइन, ये देखिए ये जो लाइन दिया गया है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन ये इतना मोटा ही रहना चाहिए। देखिए ये दिख रहा है सर, जितना इतना मोटाई है, दिख रहा है इसका जितना मोटाई है और इतना मोटाई, इतना ही रहना चाहिए। ये अच्छा 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक इसका चौड़ाई होता है, लेकिन ये कौन बताएगा टेक्निकल चीज? वहां तो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर समझ रहे हैं सर, 10 सेंटीमीटर इतना, यहाँ अच्छा, इतना चौड़ा दे दिया गया है, इतना चौड़ा चूना दे दिया गया है। इस पे टेक ऑफ भी लगता है, इस पे लकड़ी का टेक ऑफ भी लगता है, लेकिन उसके ऊपर से एक लाइन जाती है जो कि पतली लाइन होती है, आप उस लाइन को टच नहीं कर सकते। लेकिन किया क्या गया है, 10 सेंटीमीटर का इतना मोटा लाइन दे दिया गया है। और बच्चे का तो ऑटोमेटिक है, बच्चे जब टेक ऑफ लेंगे तो वहां पे तो जाएंगे ना, टेक ऑफ पे तो जाएंगे, और जब टेक ऑफ पे जाएंगे बच्चे तो वो जो इतना मोटा लाइन है उसको कैसे वो मिटा देगा जाकर के? तो ये तो गड़बड़ी आयोग का है, या जो भी वहां पे ले रहे हैं उसकी कमियां है, उसकी गड़बड़ी है, उसको ये चीज देखना चाहिए कितना पतला लाइन होता है, कितना मोटा लाइन होना चाहिए, कितना लंबा लाइन होना चाहिए, क्या टेक ऑफ होना चाहिए, कौन सा बालू का यूज होना चाहिए। और दूसरा बात है सर बालू का भी, इस बालू का यूज नहीं हुआ है वहाँ, ये जो बालू है, ये बालू जो है कि ये इंजुरी फ्री है, इसमें बच्चे जाएंगे जंप करने इंजुरी नहीं होगा। अच्छा। उसके बाद भी तो उसका इवेंट है, उसके बाद भी हाई जंप है, उसके बाद भी शॉर्ट पुट है, तो बच्चे इसी में घायल हो जाएंगे, तो आगे क्या जाएंगे, क्या क्या हाई जंप करेंगे और क्या शॉर्ट पुट करेंगे? बच्चे का प्रतिभा, मैं कल का बात बता रहा हूँ, बच्चे का प्रतिभा ये था कि 300 बच्चों में से
250 प्लस दौड़ में आ जाते हैं सर, 250 लगभग बच्चे दौड़ में आ जाते हैं, मतलब वो 6 मिनट के अंदर वो दौड़ लेते हैं, इतना प्रतिभा है। और उसके बाद लॉन्ग जंप में हिटलर शाही के तरह उस बच्चों को वो 250 में से वो लगभग 225 के बाहर, 225-200 लड़के को बाहर। तो आप इसका मतलब है कि आप ट्रैक और बालू को गलत मान रहे हैं। 225 लड़कों को बाहर, मतलब लॉन्ग जंप में जो सबसे ज्यादा टफ चीज क्या होता है, रनिंग। रनिंग से ज्यादा कुछ टफ चीज है क्या? चीज होता नहीं, क्योंकि 1000 मीटर उसको लगातार लगाना है 3 राउंड, और उसको तो बस 30 फीट मारना है, और वो तरीके का चीज है, आप उसको नहीं देंगे। और लॉन्ग जंप का ट्रैक पे आपका गिट्टी रहेगा, ये रहेगा, वो रहे, तो बच्चे कहाँ से हेल्दी कर पाएंगे? बच्चों को तो डर रहेगा, अरे भाई गिट्टी नहीं गड़ जाए, बच्चों को भी सेफ रहेगा, तो कभी भी वो एकदम हेजिटेट रहेगा, और जब हेजिटेट रहेगा तो कभी भी लॉन्ग जंप नहीं कर सकता है। तो दो वजह है, एक तो टेक ऑफ पॉइंट को लेकर के जो ये लाइनिंग आप दिखा रहे हैं, जी जी, इसको लेकर के बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, जी जी, और दूसरा उनको ट्रैक अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ा चीज कारण है। तो सर ये सब जब कारणे आएंगे तो कभी भी अपना जो प्रतिभा है बिहार के बच्चों में, बिहार के होनहार में, बिहार का जो गरिमा है वो कभी भी बचने में थू हो रहा है सर, सारे स्टेट में इस प्रक्रिया को लेके थू हो रहा है कि इस तरह बिहार में हो रहा है। अरे सुनीत कुमार सर, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अच्छा चयन करवाइए, ताकि हम लोग का भी मान प्रतिष्ठा बना रहे जो बिहारी हैं हम लोग। सुनीत कुमार जी तो आपके भी काम पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे काम पे तो बहुत देते हैं, कहते हैं मोनू रंजन जहाँ मिले गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार होइएगा तो क्या होगा, कौन तैयार करेगा इन्हें? गिरफ्तार मुझे कर ले वो, अरे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। मेरे से प्रॉब्लम है, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैं क्यों प्रॉब्लम है, बच्चों के हित के लिए मैं बात करता हूँ, बच्चों के हित के लिए बात उठाते हैं, बच्चों के हित के लिए बात इसलिए करता हूँ कि क्योंकि मैं एक ईमानदार टीचर हूँ, और एक टीचर का काम होता है अच्छा चीज को बताना। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ बचपन से, मैंने सीखा है, मेरे कॉलेज ने सिखाया है, मेरे एजुकेशन ने ये बात सिखाया है कि कहीं पे भी कोई भी यदि गड़बड़ी हो फिजिकल में, आप फिजिकल का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उस ट्रेनिंग में बताया गया आप उनको जाकर के गलत को सही करवाएं, नहीं तो आप यदि नहीं कुछ बोल रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑल्सो अंगूठा छाप। मेरे टीचर, मुझे गर्व है, मेरे टीचर ने अच्छा शिक्षा दिया है, मेरे कॉलेज ने अच्छा मुझे पढ़ाया है, और मैं उसी के नॉलेज से यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके सामने। जो नियम कानून आज से ऊपर से ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक 1896 में जब से आया, जब भी नियम कानून लगा है, उस समय की बातें कर रहा हूँ मैं, उस समय से नियमावली है। मैं कह दूँ कि 20 मीटर के रनवे में आपको लेना है, क्या वो सही होगा? मैं कह दूँ कि 1.5 फीट के गद्दे में आपको लेना है, 1 फीट के गद्दे में लेना है, क्या वो सही होगा? वो तो सब मापदंड बना हुआ है, नियम है जिस पर बच्चे लगातार नियम को जानते हुए प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके का आपको देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। आप 400 के जगह पे मैं बोलूं कि 500 का ट्रैक होता है, ये मोनू रंजन का कहना है, ये होगा क्या? 400 का इवेंट मैं बोल दूंगा कि नहीं 500 का आज से इवेंट होगा, होगा क्या? तो वो अपने मन से कुछ भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। आपको उनको पूछना चाहिए, एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, जो टेक्निकल साउंड जिनके पास है, जो कि पूरा कंडक्ट करता है, यहाँ के बच्चे जाते हैं, इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं सर बिहार के बच्चे, तो जिस एसोसिएशन से ऐसे ऐसे बच्चे निकल रहे हैं उनको तो जाकर के पूछिए आप 5 मिनट कि क्या सही है क्या गलत है। सेक्रेटरी ऑफ बिहार एथलेटिक एसोसिएशन लियाकत अली सर, उनसे तो पूछिए 10 मिनट, उनका भी तो बात आप नहीं सुन रहे हैं। तो बिहार में आयोग की एक तरफ मनमानी, पूरा हिटलर शाही मनमानी ही इसको नहीं बोला जाए, हिटलर शाही, चाहे मेडिकल की बात हो, मेडिकल में बच्चे मेडिकल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या कुछ उसको प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम है, वो दे रहा है, सीधा बोल रहा है रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई टाइमिंग नहीं मिल रही है इस पर खबर, हमने भी दिखाया था ना, उनके पास कोई जानकारी है, जो अधिकारी वहाँ पर बैठ रहे हैं, जो वहाँ बैठ रहे हैं उनको कोई टाइमिंग का लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भविष्य नहीं है ना। उसी अधिकारी का बेटा यदि देगा मेडिकल, उसको रात भर में मैसेज मिल जाएगा। खैर मोबाइल नंबर तो सर, मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे पता है सर, पटना में मैं 20 साल से हूँ, मैं कभी भी आवाज इस तरह का नहीं उठाया था, लेकिन जिस बच्चों को मैंने ट्रेंड किया है, जिस बच्चों के लिए मैं रात दिन एक करके यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, उस बच्चों के भविष्य के साथ कोई नहीं खेल सकता है। मैं खून पसीना एक करके बच्चों को बनाता हूँ, और वहां पे
धांधली कर करके सीट को बेचा जाता है, ये बर्दाश्त कतई नहीं करेगा मोनू रंजन। चाहे मोनू रंजन को आप सूली पे चढ़ा दो, चाहे आप काला पानी का सजा दे दो, तो भी नहीं डरेगा मोनू रंजन। अब इस तरीके के आरोप तो अभ्यर्थी के साथ साथ तमाम जितने भी ट्रेनर हैं सब लगा रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है। खास मुलाकात मेरी इस बात को लेकर थी कि आखिरकार वहां पर लॉन्ग जंप में महिला अभ्यर्थियों का रिजेक्शन क्यों हो रहा है। तो देखिए यही वो लाइन है जिसकी वजह से हो रहा है। इस लाइन को लेकर के अभी चर्चाएं होने लगी है बिहार में, क्योंकि ये लाइन जो वहां पर बनाई गई है वो काफी मोटी बना दी गई है, और जैसे ही पैर उस पर पड़ता है तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चे। साथ ही साथ रिजेक्ट अगर ना भी हो तो वो जो लॉन्ग जंप के लिए जो आगे की व्यवस्थाएं इधर बनाई गई है बालू का, इसमें जाकर के बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ जाकर आप चोटिल हो जाएंगे। तीन चांसेस तो आपको मिलेंगे, लेकिन सोचिए कि बिहार सरकार की कैसी व्यवस्थाएं हैं, आयोग आपके लिए कैसी व्यवस्थाएं दे रहा है। साथ ही साथ जो रनवे का जो ट्रैक है वो हम आपको कल ही दिखा चुके हैं, जो एक महिला अभ्यर्थी रिजेक्ट होकर आई उसने रनवे को लेकर क्या कहा। तो तमाम जो भी हमारी कोशिश यह है आयोग इन सब बातों पर ध्यान दे, और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो कम से कम कुछ बेहतर कर ले, क्योंकि पुरुष का जो जितना भी शारीरिक मापदंड की प्रक्रिया थी उसकी तिथि अब समाप्त कर ली गई है। जितने का चयन होना था उनका हो गया, तो बीत गई बात तो बात करके क्या फायदा। लेकिन अभी जो हालात है उस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।